नमस्कार आदाब। दुनिया के 8 अजूबों में से 9वां अजूबा ये है हमारी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका। यहाँ के द्वारा जो भी काम किया गया है वो कभी टिकाऊ नहीं होता, या केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा यहाँ कोई काम दिया गया जैसा कि इस वक्त ये दिया गया है। ये राजीव गांधी उड़ान पुल है और महानगर पालिका ने इसके मेंटेनेंस का ख्याल कभी रखा ही नहीं। जय कुमार कंपनी ने इसे बनाया था और 14 साल के बाद ये धोखादायक हुआ और धोखादायक घोषित होकर 2 साल पूरा हो चुका है। और दिल्ली की एक कंपनी ने इसका टेंडर लिया था मगर उसने ये काम छोड़ दिया और अब थाना की एक कंपनी CMC इसका काम 6 करोड़ में कर रही है। बहरहाल राजीव गांधी उड़ान पुल की जो कहानी है पूरे भिवंडी शहर को तो पता है ही कि इसकी क्या हालत है। डिपार्टमेंट ने खुद मान लिया है कि ये पुल का कुछ हिस्सा कभी भी गिर जाएगा, उसी की रिपेयरिंग की जा रही है और मेरे ठीक पीछे ये सब काम चालू है। खास बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में जो सलाई यानी स्टील लगाई जाती है वो कोटेड होती है मगर यहाँ जो स्टील लगाई जा रही है वो अनकोटेड है। हमने यहाँ के कुछ सुपरवाइजरों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब हम इसके ऊपर कंक्रीट करेंगे उस दौरान ये काम करते हैं, ये एक नया काम सुपरवाइजरों ने बताया। बहरहाल 6 करोड़ और इसके पहले भी इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है, इस तरह से 10 करोड़ के ऊपर अब तक इसमें लग चुका है मगर भिवंडी वालों को ये फ्लाईओवर सिर्फ इतना ही काम आएगा। मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा कार यानी हैवी गाड़ियां इसकी रिपेयरिंग के बाद भी इस पर से नहीं जा सकेंगी, सामने से बैरिकेडिंग लगी रहेंगी। तब सवाल यही उठता है कि फिर इतना पैसा लगा कर इसका रिपेयरिंग का काम करना है तो उससे अच्छा इसको फिर से क्यों नहीं बनाया जाता। बहरहाल भिवंडी शहर की जो ट्रैफिक की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से जो फ्लाईओवर साईबाबा मंदिर से इस फ्लाईओवर को जोड़ता है वो तो ठीक है मगर इस फ्लाईओवर के धोखादायक होने की वजह से बड़ी गाड़ियां ना उससे आती हैं ना इस फ्लाईओवर से आएंगी या जाएंगी। बहरहाल भिवंडी की अंधेर नगरी का जो काम है कल 26/11/2021 है, महाराष्ट्र की धरती पर आतंकवादी हमला जो हुआ था ये दुखद घटना थी और इसी ताल्लुक से और कुछ और मामलात में भी कल यहाँ कुछ मंत्री आ रहे हैं मुंबई से। और ख़ास बात ये कि महानगर पालिका के अंदर बाबा साहेब के पुतले का अनावरण भी होना है। और दूसरी बात अगर देखेंगे तो 2 दिन से बाबा साहेब अम्बेडकर के चाहने वाले इसी महानगर पालिका के पास 2 दिन, आज दूसरा दिन है, धरना खत्म हो गया। धरने पर बैठे थे अपने रोजी रोजगार को लेकर, वो काम पर थे उन्हें निकाल दिया गया था। और दोनों महिलाओं ने ये आरोप लगाया है आरोग्य विभाग पर कि हमें इसलिए काम पे निकाला गया कि हमसे 50,000 रुपया मांगा गया था, हम नहीं दे सके, इसलिए जवार की 2 महिलाओं को हमारी जगह पर ले लिया गया। माझा उपोषण यासाठी होता का माझ्या बरोबर 36 पोरी घेतलेल्या पण आम्हाला दोघींना काढलेलं आहे, आम्हाला पूर्ण परत घ्यावा। माझ्याकडे पैसे नाही, माझे आई बाप्पा गरीब आहेत म्हणून मी पैसे भरू शकत नव्हती, तेव्हा मला काढलंय। पैशाची मागणी कोणी केली महानगरपालिकेत? प्रवीण भडांगेनी आणि सचिन नंदीकोलेनी, त्या 50,000 मागणी होती। इस तरह का उलटा सीधा भ्रष्टाचार का जो कारोबार है ये मेरे ठीक पीछे महानगरपालिका है क्योंकि हेड ऑफिस यही है तो जिम्मेदार भी यही लोग माने जाएंगे। बहरहाल भिवंडी शहर का जो विकास का मामला है इसी तरह का झोल झाल का कारोबार चल रहा है और इस फ्लाईओवर से कुछ बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होगा मगर जो करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है ठेकेदारों का और संबंधित अधिकारियों का फायदा ज़रूर होगा। मैं नीलम तिवारी के साथ खान फकरे आलम हूँ।